सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। हाय गाइस, सबको स्वागत है टीएनजी रिव्यूज में। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन सेल्फी फोन की, Asus Zenfone 4 सेल्फी प्रो की। इस डिवाइस में आपको बहुत ही सारे फीचर्स मिल रहे हैं, लेकिन इसका सेल्फी कैमरा आपका मेन फीचर है। ये डिवाइस मैंने फ्लिपकार्ट की सेल में सिर्फ 20,000 रुपए में परचेज किया था, वैसे ये आपको 24,000 रुपए में अवेलेबल है। इसका डायरेक्ट परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप इसको बिना किसी मुश्किल के खरीद सकते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। मेरे पास रोज की बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है उन फोन्स की अनबॉक्सिंग के लिए जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने 100 प्लस अनबॉक्सिंग करी हुई है, तो जो आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है। तो आप मुझे कमेंट करने से पहले मेरी प्लेलिस्ट चेक करें, जिसके अंदर आपको वो सारे फोन मिल जाएंगे। अगर स्टिल आपको कोई फोन उसके अंदर नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे लिए सबको रिप्लाई बैक करना मुश्किल हो जाता है, तो मुझे कमेंट करने से पहले आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करें और उसके बाद आप मुझे कमेंट करें। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस फोन की अनबॉक्सिंग। ये हमारी इजेक्शन पिन, ये हमारे को स्टार्टअप गाइड और वारंटी कार्ड, ये हमारा बैक केस जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, ये हमारा डिवाइस, अभी हम इसको साइड पर रख देते हैं, ये हमारा 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का ट्रेवल एडाप्टर जो कि 10 वॉट का चार्जर है। साथ ही इस डिवाइस के अंदर हमें फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलती है और उसके साथ 3000 mAh की बैटरी। ये हमारी USB केबल जो कि USB 2 है, और साथ ही ये हमारे इनप्लग हेडफोन्स। और साथ में एक्स्ट्रा ईयरबड्स। सो गाइस, ये हमारा डिवाइस। हमारे पास इसका ब्लैक कलर है, वैसे आपको ये गोल्ड एंड रेड कलर में भी अवेलेबल है। वैसे इसका ब्लैक कलर थोड़ा सा ब्लूइश टिंट देता है, जो कि मुझे देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। Asus की क्वालिटी हमेशा से डिवाइसेस में बहुत ही बढ़िया रही है। आप देख सकते हैं ये डिवाइस कितना स्लिम है और इसके अंदर आपको कम्प्लीटली मेटल बॉडी मिलती है विद नैनो मोल्डिंग टेक्नोलॉजी, जो कि देखने में बहुत ही प्रीमियम लुक दे रही है। इसके बैक साइड में हमें स्मूथ मैट फिनिश मिलती है, लेकिन उसके बाद भी ये फोन बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है। साथ ही टॉप एंड बॉटम में हमें एंटीना लाइनिंग मिलती है। देखने में ये डिवाइस बहुत ही बढ़िया लग रहा है और पर्सनली मुझे ये काफी पसंद आया है। वैसे ये 147 ग्राम्स का है और इसके फ्रंट में हमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। आइए इसके इंटरफेस पे नजर डालते हैं। फ्रंट पे हमारे पास 5.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, उसके ऊपर हमारे पास यूपीस है, कुछ सेंसर्स है और उसके साथ डुअल कैमरा सेटअप है, जिसके अंदर एक कैमरा हमारा 24 मेगापिक्सल का है और दूसरा 5 मेगापिक्सल का, उसके साथ सॉफ्ट LED फ्लैश। चिन साइड में हमारे पास फिंगरप्रिंट सेंसर है। डिवाइस के नीचे की साइड हमारे पास 3.5 mm हेडफोन जैक है, उसके साथ माइक, उसके साथ USB पोर्ट और साथ ही स्पीकर्स। राइट साइड में हमारे पास पावर बटन है, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स। टॉप साइड में हमारे पास एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन माइक है और लेफ्ट साइड में हमारे पास हाइब्रिड सिम स्लॉट है, जिसके अंदर आप 2 सिम कार्ड या फिर 1 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं 2 TB तक का। बैक साइड में हमारे पास Asus की बैजिंग है, जो कि बहुत ही लाइट शेड में है। आई थिंक थोड़ी सी ब्राइट होती तो ज्यादा अच्छी लगती। उसके ऊपर हमारे पास 16 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है LED फ्लैश के साथ। ओवरऑल देखा जाए तो डिवाइस का डिजाइन एंड लुक बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। ये काफी प्रीमियम क्वालिटी का डिवाइस लग रहा है। आइए डिवाइस को ऑन करते हैं। इस डिवाइस में हमें 5.5 इंच का AMOLED स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर हमें फुल HD रेजोल्यूशन मिलती है, उसके साथ 500 nits की ब्राइटनेस। साथ ही हमें कलर एडजस्टमेंट में काफी सारे फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर, और उसके साथ ब्लू लाइट फिल्टर मिलता है, जिससे आपकी आईज प्रोटेक्टिव रहती हैं। देखने में इसकी स्क्रीन काफी ब्राइट नजर आ रही है और आप इसकी ब्राइटनेस, कलर्स सबको कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे हमने इस डिवाइस को सनलाइट में भी यूज किया था और 500 nits की ब्राइटनेस होने के बावजूद भी इसकी स्क्रीन काफी डल आई सनलाइट में।
ये डिवाइस रन करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 ऑक्टा कोर 2 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर के साथ, जिसके अंदर आपको एडिनो 506 के ग्राफिक मिलते हैं। उसके साथ जेन यूआई 4.0 का इंटरफेस जो कि बेस है एंड्रॉइड 7 पे। उसके साथ ही आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी मिल रही है, जिसको आप 2TB तक एक्सपैंड कर सकते हैं एक हाइब्रिड स्लॉट के थ्रू। इस डिवाइस में हमें 5 मैग्नेटिक स्पीकर्स मिलते हैं NXP स्मार्ट एम्पलीफायर के साथ, उसके साथ हाई रेजोल्यूशन ऑडियो। आइए इसकी साउंड पे नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं इसकी साउंड कितनी लाउड एंड क्लियर आ रही है। इसके अंदर आपको सोनिक मास्टर 4.0, जिसकी वजह से इसकी साउंड इतनी क्रिस्टल क्लियर है। साथ ही इस डिवाइस के अंदर आपको OTG सपोर्ट, वोल्ट, ब्लूटूथ, वाईफाई, एक्सेलेरोमीटर, ई कंपास, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, एम्बिएंट लाइट सेंसर और साथ ही RGB सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए डिवाइस के कैमरा पे नजर डालते हैं। जैसे कि ये डिवाइस आपका एक सेल्फी ओरिएंटेड डिवाइस है, पहले हम सेल्फी कैमरा की बात करते हैं। हमारे पास सेल्फी कैमरा में 2 कैमरास दिए गए हैं, 24 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल। 24 मेगापिक्सल का f1.8 है और 5 मेगापिक्सल वाले का 2.2। उसके अंदर आपको ड्यूल पिक्सल कैमरा टेक्नोलॉजी मिलती है। एक्चुअली में देखा जाए तो ये आपके 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल के 2 कैमरा सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कि एक साथ दोनों शॉट लेते हैं और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर की मदद से उन दोनों पिक्स को एक कर दिया जाता है। इसी वजह से इस कैमरा के अंदर आपको 24 मेगापिक्सल का कैमरा बताया गया है। साथ ही इसके सेल्फी कैमरा में आपको ऑटो मोड, ब्यूटी मोड, पोर्ट्रेट मोड, सेल्फी पेनोरमा शॉट, सेल्फी मास्टर टच, लाइव स्ट्रीम ब्यूटिफिकेशन और मिनी मूवी जैसे फीचर्स मिलते हैं। और जैसे आपको इसके अंदर 4K सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं, वो आपको किसी भी डिवाइस में नहीं मिलते। अगर हम इसके बैक कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का जो बैक कैमरा है, उसके अंदर आपको सोनी IMX351 सेंसर मिलता है, जिसके अंदर आपको ASUS सुपर पिक्सल इंजन टेक्नोलॉजी मिलती है। उसके साथ आपको इसके अंदर अल्ट्रा फास्ट फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस, DTI टेक्नोलॉजी, पोर्ट्रेट मोड, ऑटो मोड, सुपर रेजोल्यूशन, पेनोरमा शॉट, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग, टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्डिंग, GIF, प्रोफेशनल शॉट, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग विद इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजर जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए इसकी कुछ पिक्स पे नजर डालते हैं। ये हमारी सारी अनएडिटेड पिक्स हैं। मेरे ओपिनियन के हिसाब से इसके बैक कैमरा के पिक्स काफी अच्छी आई हैं, लेकिन इसके सेल्फी कैमरा के पिक्स इतनी बेटर नहीं है। वैसे अगर हम बाकी सेल्फी फोन्स के साथ कंपेयर करें तो इसके पिक्स ठीक हैं, लेकिन अगर हम Vivo V7 Plus के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो उसके हिसाब से मुझे इसकी पिक्स ज्यादा अच्छी नहीं लगी। वैसे जल्द ही हम इनका कैमरा कंपैरिजन करेंगे ताकि हम इनकी क्लियर टेस्टिंग कर सकें। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से डिवाइस बाकी अपनी क्वालिटी वाइज, अपने डिजाइन वाइज और फीचर्स वाइज काफी अच्छा डिवाइस है। और जैसे आपको इसके अंदर 4K सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं, वो आपको किसी भी डिवाइस में नहीं मिलते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम जल्द वापस आएंगे और भी वीडियोस के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।